हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम संदीप कुमार, इकोनॉमिक्स फैकल्टी, शिवज्योति एजुकेशन ग्रुप कोटा. वेलकम यू ऑल इन द इकोनॉमिक्स क्लास. सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, विच इज द थ्योरी ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट. सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी विल बी डिस्कसिंग 3 मेजर पॉइंट्स. द वन इज रिलेटेड टू परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, सेकेंड इज रिलेटेड टू रेवेन्यू, third supply, and then elasticity of supply. So at first let's begin with perfect competition market. Basically it is a primary form of the market. Hum jis bhi tarike markets ko dekhte hain har jagah pe, aur sabse pehle main ek cheez aapko aur clear kar do beta ki market apne aap mein koi ek aise special structure nahi hota. We cannot say that ki koi particular geographical area hai that will be known as the market only. Market can be anything. Only the primary thing should be there, buyers needs to be there, sellers should be there, and existence of commodity should be there. At that particular place, we can announce the same as the market, because market can be offline, online. Nowadays, you know very well that online markets are going on a lot. तो वहाँ पे तो कोई ऐसा अपने अपने geographical area है ही नहीं. ठीक है बेटा, तो इन सब चीजों को देखते हुए हम आगे डिस्कस करते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट को. ये अपने आप में एक ऐसा मार्केट फॉर्म होता है जहां पे कि एन नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स होते हैं, और साथ में यहां पे होमोजीनियस कमोडिटी का सेल एंड परचेज किया जाता है. सो व्हाट इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट? एनी ऑफ द मार्केट व्हिच इज हैविंग एन नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोडक्ट शुड बी होमोजीनियस. ये अपने आप में एक ऐसा मार्केट है बेटा जो कि वाइडर एरिया पे डेवलप किया जाता है. बेसिकली यहां पे जो सेलर्स या बायर्स है उनकी फ्री एंट्री और एग्जिट होता है. ठीक है, अब इन्हीं सारे फीचर्स को कंटिन्यू करते मैं आपको वन बाय वन इसके सारे फीचर्स बताता हूं कि हम किसे अपने आप में एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट कह सकते हैं. सो द वेरी फर्स्ट फीचर ऑफ दिस इज लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स. ये बेटा अपने आप में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है. रीजन क्या है? क्योंकि इसके बाद जो आने वाले हमारे कुछ मार्केट्स होंगे वो इनके कुछ मिक्सचर्स होते हैं, लेकिन यही एक चीज है जो कि यहां पे इसको थोड़ा डिस्टिंग्विश करती है परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट को, दैट इट इज अ मार्केट फॉर्म वेयर दे आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स. अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर कितने लार्ज होने चाहिए, या इसकी पर्टिकुलर अपने आप कोई क्वांटिटी है क्या? तो ऐसी कोई भी क्वांटिटी फिक्स नहीं की गई है दैट इट विल बी 100, 200, 250. इट इज नथिंग लाइक दैट. फाइन, कितने भी यहां पे सेलर्स और बायर्स हो सकते हैं, लेकिन अब इसके साथ में एक फीचर जो और आता है वो भी मैं इसके साथ कनेक्ट करके बताता हूं. दैट इज व्हाट? होमोजीनियस प्रोडक्ट. अब बेटा इन दोनों ही पॉइंट्स को मैं एक साथ कनेक्ट करके बताता हूं कि इसका मतलब क्या होता है. पहली बात, यहां लिखा है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स. ठीक है, हम इसके बाद एक मार्केट फॉर्म और पढ़ते हैं जिसका नाम होता है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मार्केट. वहां पे लिखा आता है मैनी सेलर्स एंड बायर्स. एक ऐसा मार्केट फॉर्म जहां पे किसी प्रोडक्ट को खरीदने और बेचने वाले बायर्स और सेलर्स मैनी होंगे, यहां पे लार्ज होते हैं. तो दोनों में क्या कोई अपने आप में न्यूमेरिकल डिफरेंस है? कोई क्वांटिटेटिव डिफरेंस होगा? कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? तो डिस्टिंग्विश करने के लिए यहां पर जो पॉइंट है दैट इज व्हाट होमोजीनियस गुड्स अंडर दिस परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट. And in monopolistic competition market, there will be only and only heterogeneous goods. तो यहीं से इस चीज को हम डिस्टिंग्विश करते हैं. अब द फर्स्ट पॉइंट इज कोई भी एक ऐसा मार्केट फॉर्म जहां पे कि किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए बहुत ही सारे सेलर्स होते हैं और उन प्रोडक्ट्स को, उन कॉमोडिटीज को खरीदने के लिए बहुत सारे बायर्स की एग्जिस्टेंस होती है, उस मार्केट फॉर्म को हम कह सकते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट. साथ में ये भी कहा जाता है ऐसे मार्केट फॉर्म में दैट इफ एनी ऑफ द सेलर enters in the market or exits from the market. Similarly, if any of the new buyer enter in the market or exits from the market, there will be minute fractional changes in the demand and supply of the goods. Basically, we know very well that seller ke aane se market mein supply increase hoti hai aur buyer ke market mein aane se
डिमांड इंक्रीज होती है, लेकिन यहाँ पे इनका इतना ज़्यादा लार्ज नंबर होता है कि कोई भी एक नई फर्म मार्केट में एंटर हो जाए या एग्जिट हो जाए तो सप्लाई पे बहुत माइनर फ्रैक्शन चेंजेस होंगे जिसको कि हम रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकते हैं। द सिमिलर थिंग इज फॉर बायर्स एज वेल कि अगर कोई न्यू बायर मार्केट में एंटर होता है या वहां से एग्जिट हो जाता है तो प्रोडक्ट के डिमांड पे भी कोई बहुत माइनर फ्रैक्शनल चेंजेस होंगे जिसको कि हम ग्राफिकली या न्यूमेरिकली एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज होमोजीनियस गुड्स, एक ऐसा मार्केट फॉर्म जहां पे कि होमोजीनियस गुड्स को यूज में लिया जा रहा है। सो व्हाट डज दिस मीन, क्या होता है होमोजीनियस गुड्स? एनी ऑफ द प्रोडक्ट, एनी ऑफ द गुड विच इज सिमिलर इन ऑल द एस्पेक्ट्स सच एज कलर, टेक्सचर, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, पैकेजिंग एटसेट्रा। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको कि हम डिस्टिंग्विश भी नहीं कर सकते हैं, दैट विल बी सिमिलर इन ऑल द एस्पेक्ट्स, इस वजह से कस्टमर का यहाँ पे किसी पर्टिकुलर ब्रांड से कोई अटैचमेंट ही नहीं होता है। ब्रांड से अटैचमेंट भी क्यों होगा बेटा, क्योंकि ऑल द प्रोडक्ट इज इन इज ऑफ सिमिलर एस्पेक्ट, हर एक एस्पेक्ट से बिल्कुल प्रोडक्ट सिमिलर होता है, तो कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, डिफ्रेंशिएट तो कर ही नहीं सकते उसको। और जब इनके अंदर कोई स्पेशलिटी होगी ही नहीं तो इन दैट केस यहाँ पे कंज्यूमर का, कस्टमर का, बायर का किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ब्रांड से कोई अटैचमेंट भी नहीं हो सकता है। जैसे अ गुड एग्जाम्पल इज ऑफ वेजिटेबल, वेजिटेबल्स, जिस भी तरह की वेजिटेबल है आप किसी भी वेंडर से परचेज कीजिए, किसी भी सेलर से परचेज कीजिए, दैट डजंट मैटर। ठीक है, इफ यू आर गोइंग टू परचेज लेडी फिंगर, ठीक है, आप इस सेलर से परचेज करें, अगले वाले से करें, नेक्स्ट आपने वहां से परचेज किया, चार दिन बाद आप ऑफिस से घर जा रहे थे, रास्ते में आपको कोई वेंडर मिल गया, आपने उससे परचेज कर लिया, डज दिस एक्चुअली मैटर? आई डोंट थिंक सो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज लेडी फिंगर विल बी लेडी फिंगर फ्रॉम एनी वेयर इफ यू बाय द सेम थिंग। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट जिनकी अपनी कोई ब्रांड नहीं होती है, कुछ अपनी स्पेशलिटी नहीं होती है, दे आर सिमिलर इन ऑल द एस्पेक्ट्स, हम कहीं से किसी से भी परचेज करें, इट इज नॉट अ बिग डील एट ऑल, तो उस तरह के प्रोडक्ट्स को कहा जाता है होमोजीनियस गुड, जिनकी कलर, टेक्सचर, ट्रेडमार्क, ब्रांड एंड पैकेजिंग सब कुछ सिमिलर होता है, सेम होता है इन ऑल द एस्पेक्ट्स। क्लियर? देन द थर्ड पॉइंट इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स। What is it saying? Free entry and exit of the firms from the market. ये एक ऐसा market form है बेटा जहाँ पे कि कोई भी firm freely market में enter हो सकती है और अगर वो चाहे तो वहां से exit भी हो सकती है। क्या है ये चीज़? अब इसका क्या मतलब हो सकता है? देखिए बेटा, sometimes it happens कि market में enter होना है किसी भी new firm को, कोई भी नई firm market में आना चाहती है अपने product को sell करने के लिए, ठीक है, तो क्या उन्हें किसी तरह की परमिशन लेनी पड़ेगी? क्या उनको कोई लीगल अथॉरिटी देनी पड़ेगी? ऐसा कुछ भी नहीं होता बेटा, दे कैन फ्रीली एंटर जब उनका एक मोटिव इंटेंशन फुलफिल हो गया ऑफ ग्रैबिंग द प्रॉफिट एंड ऑल, या ऐसा हो सकता है कि उस मार्केट में प्रॉफिट उनको अट्रैक्ट किया हो कि इस मार्केट में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, क्यों ना यहाँ पे एंटर होकर अपने प्रोडक्ट को सेल किया जाए, सेलिंग के बाद जितना भी प्रॉफिट था गेन किया, नाउ दे वॉन्ट टू गेट एग्जिट फ्रॉम देयर, दे कैन ईजिली गेट एग्जिट। In both the situations, maybe if their intention of maximization of profit is done, or sometimes it happens कि हो सकता है ना वहाँ पे किसी तरह का कुछ loss face करना पड़ा हो, इसलिए भी वो अपनी firm को market से लेके जाना चाहते हो। So in both of the situations, they are totally free by their own ways, they can enter or they can exit. One more thing is here, एंट्री एग्जिट फ्री इसलिए भी होती है बेटा क्योंकि इस मार्केट फॉर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए कोई बहुत ज़्यादा बल्क अमाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो थोड़े से अमाउंट के साथ इजी गोइंग एंटर किया जा सकता है, और जब एग्जिट करना है तो विड्रॉ भी करना बहुत आसान होता है क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट तो है नहीं उसको लेके, कहीं और इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। क्लियर बेटा? सो दैट इज इट इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स इन द मार्केट। द नेक्स्ट पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फर्म्स आर प्राइस टेकर नॉट मेकर। यहां बेटा इस डिफरेंस को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। इट इज सेइंग दैट इन दिस मार्केट द फर्म्स आर प्राइस टेकर नॉट प्राइस मेकर। मतलब टेकर और मेकर का डिफरेंस क्या होता है? टेकर इज अ पर्सन हु इज ओनली टेकिंग द अमाउंट व्हाटएवर इज इंस्ट्रक्टेड बाय देयर
heads. Maker is a person who can change the price of the commodity by their own wish. यहाँ क्या कहा है कि इस मार्केट में जितनी भी फर्म्स होती है परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में, वो अपनी मर्जी से प्रोडक्ट की प्राइस के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते हैं. जो भी प्राइस उनकी इंडस्ट्रीज ने डिसाइड की है, दे विल हैव टू चार्ज द वेरी सेम प्राइस. होता है ना मार्केट में कभी कभार ऐसा कि किसी प्रोडक्ट को परचेज करने जाते हैं, हम चाहे प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी क्यों ना इंक्रीज कर दें, जितना भी हम प्रोडक्ट को बल्क में परचेज करें, बट द प्राइस विल रिमेन सेम, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं. सपोज देयर कैन बी एग्जाम्पल ऑफ डेरी मिल्क. ठीक है, आप डेरी मिल्क चॉकलेट मार्केट से परचेज करने जाते हैं, इट वर्थ रुपीज 10. ठीक है, 10 रुपए वाली चॉकलेट आप परचेज करना चाहते हैं, यू परचेज वन, इट कॉस्ट और इट्स प्राइस इज 10 रुपीज. You purchased another unit, again it was of 10 rupees. You purchased third unit, again it was of rupees 10. Fine. अब आप जब इन सारी units को एक साथ purchase कर रहे हैं, तब भी आपको 10 rupees का ही price charge करेगा जो भी seller है वो. क्यों? क्योंकि वो अपनी मर्जी से product की price में कोई changes नहीं कर सकता है. He is not having any of the authority. उसके पास कुछ ऐसे rights नहीं होते हैं कि अपनी मर्जी से product की price के अंदर वो changes ऐसे कर सके. दैट इज वाई द अनदर पॉइंट विल बी दैट फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज आर नॉट सेम. इट इज ऑल्सो सेट अंडर दिस मार्केट फॉर्म दैट फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज आर नॉट सेम. फर्म्स अलग होती हैं और इंडस्ट्रीज अलग होती हैं. ये कैसे है, क्या है फर्म्स और क्या है इंडस्ट्री? सो आपको एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना बेटा, दैट द ग्रुप ऑफ फर्म्स इज नोन एज इंडस्ट्रीज. ठीक है, जब किसी भी एक ही प्रोडक्ट को सेल करने वाली बहुत सारी फर्म्स एक साथ मिल जाती हैं, अपना एक ग्रुप बना लेती हैं, तो उस ग्रुप को ही कहा जाता है इंडस्ट्री. अब इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्शन होगा, जो भी वहां से रिलेटेड प्रोडक्ट, उसकी प्राइस, क्वांटिटी से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे, दे These all the instructions are to be followed by firms itself. अब यही point यहाँ से connected होता है बेटा. जब price को decide करने वाली भी industries होती हैं, तो उनके अंदर कोई भी changes ना करने वाली firms इसको follow करेंगी. product की जो भी price decide की जाएगी, जो भी quantity supplied announce की जाएगी, वो सारी चीज़ें इनको खुद ही follow करनी पड़ती है, अपनी मर्जी से इसके अंदर कोई changes नहीं कर सकते. That is what is said that firms and industries are not same. दोनों अलग अलग होती हैं. Firm is the individual seller, but industry is the group of firms. इस चीज को ध्यान रखिएगा, that industry is the group of firms. Clear यहां तक बेटा? इन सारे points को आप line to line copy करते हुए चलेंगे मेरे साथ. ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिएगा और जितने भी पॉइंट्स मैंने यहां तक लिखे इन सबको आपको अपनी नोटबुक में कॉपी करते हुए चलना है. ये अभी तक बेटा हमने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स को कंप्लीट किया है. मैं फिर से रिपीट करूं, द फर्स्ट वन, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स. एक ऐसा मार्केट फॉर्म जहां पर किसी प्रोडक्ट को खरीदने और बेचने वाले बहुत सारे लोग होंगे. प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी होमोजीनियस, सिमिलर इन ऑल द एस्पेक्ट्स. नेक्स्ट इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म. फर्म्स चाहे तो एंटर हो सकती है, चाहे तो एग्जिट हो सकती है फ्रीली. कोई लीगल अथॉरिटी या कोई लीगल एक्शंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. फर्म्स आर प्राइस टेकर नॉट मेकर. ये सारी फर्म्स क्या होती हैं, प्राइस को टेक करेंगी, गेन करेंगी, लेकिन अपनी मर्जी से प्राइस को मेक या डिसाइड नहीं कर सकती. रीजन क्या है? फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज आर नॉट सेम, क्योंकि यहाँ जो इंस्ट्रक्शंस इंडस्ट्रीज देती हैं, उन सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कौन करेगी? फर्म करती है. इसी वजह से अपनी मर्जी से प्राइसेस के अंदर चेंजेस भी नहीं किया जा सकता है. होप सो क्लियर यहां तक. अब चलते बेटा हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पे. पॉइंट नंबर 6, नो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. बेटा ये एक ऐसा मार्केट फॉर्म है जहां पे किसी तरह का कोई प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है. डिस्क्रिमिनेशन का मतलब डिफरेंशिएशन. समटाइम्स इट हैपेंस, जैसे कस्टमर्स को देख के प्राइस चार्ज कर लिया जाता है. प्रैक्टिकली आई एम टेलिंग यू इट हैपेंस, है ना. कभी कभी कुछ कस्टमर्स को देख के उनकी पर्सनैलिटी के बेसिस पे प्राइस में सेलर्स अपने अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेशन कर लेते हैं. बाद में बार्गेनिंग करने पे कुछ रिड्यूस कर देते हैं. ठीक है, या प्रोडक्ट की बल्क क्वांटिटी परचेज करने पे भी ऐसा होता है कि हमने ज़्यादा क्वांटिटी को परचेज किया तो भी प्राइस में डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है. लेकिन इससे पहले भी मैंने जो आपको दो पॉइंट्स बताए थे बेटा, वो क्या थे? फर्म्स आर प्राइस टेकर नॉट मेकर. तो पहली बात तो जो फर्म अपनी मर्जी से प्राइस डिसाइड ही नहीं कर रही है, ठीक है,
उसको तो जो प्राइस बताया गया है ही और शी विल हैव टू चार्ज द सेम अमाउंट. फर्म्स और इंडस्ट्रीज अलग अलग है, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए इंडस्ट्री बैठी है. सो डू यू फील कि ऐसे मार्केट के अंदर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगा? बिल्कुल नहीं होता बेटा. ये एक ऐसा मार्केट फॉर्म है जहां पे कि किसी भी तरह का कोई प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, चाहे क्वांटिटी को इंक्रीज किया जाए चाहे क्वांटिटी को रिड्यूस किया जाए, इट विल ऑलवेज रिमेन द सेम. ये हमेशा सेम सिमिलर ही रहती है. इसी से कनेक्टेड जो बेटा हमारे नेक्स्ट पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 7, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. उसमें क्या कहा गया है? AR एंड MR आर सेम, और इन शॉर्ट यू कैन से AR इज इक्वल्स टू MR. AR स्टैंड्स फॉर एवरेज रेवेन्यू एंड दिस MR स्टैंड्स फॉर मार्जिनल रेवेन्यू. ये चीज आपको कब क्लियर होगी बेटा? मैं यहां पे आपको एक छोटी सी टेबल बना के दिखाता हूं. दिस इज अ क्वांटिटी, दैट मीन्स जो भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी हम परचेज करें दैट इज योर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, TR, AR एंड देन MR. ध्यान से समझिएगा बेटा इस टेबल को. क्वांटिटी इज 1, 2, 3 एंड 4, प्राइस इज 10, 10, 10 एंड दिस इज अगेन 10. दैट मीन्स कि प्रोडक्ट की फर्स्ट क्वांटिटी को परचेज किया, द प्राइस वॉज ₹10. अब यहां ये मत सोचिएगा कि क्वांटिटी में 2 units को परचेज किया, जी नहीं, सेकेंड यूनिट को परचेज किया है तो भी प्राइस कितनी चार्ज हुई? 10, जो जस्ट मैंने अभी आपको डेयरी मिल्क का एग्जाम्पल दिया था. इफ यू परचेज्ड 3rd unit, अगेन द प्राइस वॉज चार्ज ₹10, एंड एज द क्वांटिटी वॉज परचेज्ड एट द 4th unit, अगेन द प्राइस वॉज चार्ज ₹10. नेक्स्ट इट कम्स TR, दैट इज टोटल रेवेन्यू. मतलब मैं एक शॉपकीपर हूं, ठीक है, आप मेरे पास डेयरी मिल्क परचेज करने आते हैं. मैंने आपको किसी प्रोडक्ट की 3 units परचेज की, मतलब डेयरी मिल्क की 3 units परचेज की हैं, और 1 unit की प्राइस ₹10, तो मैंने आपसे टोटल रेवेन्यू कितना रिसीव किया? ₹30. अगेन आई एम रिपीटिंग, 1 चॉकलेट की प्राइस ₹10, मैंने आपको वैसे 3 चॉकलेट सेल की हैं, तो टोटल अमाउंट मुझे आपसे कितना मिला? ₹30. तो मैंने यहां किया क्या है TR के लिए? Q मल्टीप्लाई बाय P. इज इट क्लियर? मैंने क्या किया बेटा? Q मल्टीप्लाई बाय P किया ना. सो इसी तरह से TR हमको कैलकुलेट करना होगा. 1 मल्टीप्लाई बाय 10, 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 10, 20, 30 एंड द लास्ट इज 40. हो गया यहां तक. अब आती है बात AR के बारे में. AR स्टैंड्स फॉर एवरेज रेवेन्यू, और एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? पर यूनिट रेवेन्यू. जो हमारे इस चैप्टर का एक्सटेंशन वाला पार्ट है, सेकंड पार्ट, वो भी बेटा इसी से रिलेटेड है. वहां हमको यही सारी चीजें पढ़नी है, AR, MR एंड ऑल. तो बट फिर भी मैं एक बार आपको पहले बता देता हूं, AR होता है एवरेज रेवेन्यू, दैट मींस पर यूनिट रेवेन्यू कितना रिसीव हुआ है. तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो क्या? TR अपॉन Q. टोटल रेवेन्यू में जब क्वांटिटी का डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाता है? AR. मतलब 10 डिवाइडेड बाय 1, TR कितना है? 10, क्वांटिटी इज 1, 10 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 10, 20 डिवाइडेड बाय 2 अगेन 10, 30 डिवाइडेड बाय 3 अगेन 10, एंड दिस 40 डिवाइडेड बाय 4 अगेन इट इज 10. अब बात आती है MR के बारे में. सो दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू. MR क्या होगा बेटा? मार्जिनल रेवेन्यू होता है, और मार्जिनल का मतलब क्या होता है? समथिंग एडिशनल रेवेन्यू. सपोज आई सोल्ड 2 units एट फर्स्ट टाइम, देन आई सोल्ड 3rd unit एज वेल, तो 3rd unit को सेल करने से मुझे कितना एडिशनल रेवेन्यू रिसीव हो रहा है? दैट विल बी एज मार्जिनल रेवेन्यू. और इसके लिए फॉर्मूला होता है डेल टी आर अपॉन डेल क्यू. अब डेल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? रिमेंबर एट द वेरी फर्स्ट यूनिट द अमाउंट ऑफ टी आर विल बी कॉपीड है. टी आर का जो भी अमाउंट है फर्स्ट यूनिट पे, वही एज इट इज यहां आ जाता है. नेक्स्ट के लिए मुझे क्या करना होगा? डेल टी आर मीन्स डिफरेंस. सेकेंड यूनिट की बात करूं तो सेकेंड यूनिट पे टी आर कितना है? 20. इस वाले टी आर में से जस्ट पहले वाले टी आर की वैल्यू को माइनस कर देंगे. दैट इज वॉट 20 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 10. क्लियर? डेल क्यू कैसे कैलकुलेट होगा? 2 माइनस 1. गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज 10 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू अगेन इट इज 10. हियर 30 माइनस 20 कितना हो जाएगा? अगेन 10. 3 माइनस 2 1, 10 अपॉन 1 अगेन इट इज 10, एंड अगेन हियर एज वेल 40 माइनस 30 10, एंड 4 माइनस 3 1, सो 10 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू इट इज ऑल्सो 10. फाइन.
व्हाट इज द पॉइंट, AR एंड MR आर सेम, AR और MR सेम होते हैं. डू यू फील इज इट सेम? एब्सोल्युटली. AR इज 10 एज वेल एंड दिस MR इज 10 एज वेल. रीजन इज दैट देर इज नो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. हम क्वांटिटी को जितना भी इंक्रीज करेंगे, प्राइस विल रिमेन द सेम, यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. और ये डिस्क्रिमिनेशन ना होने की वजह से ही AR और MR हमेशा सेम रहते हैं. एंड इवन इफ आई टॉक अबाउट द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द सेम, देन इट विल बी पैरेलल टू OX एक्सिस ऑलवेज. दिस इज AR इज इक्वल्स टू MR, हेयर इट इज द पार्ट ऑफ रेवेन्यू, दिस इज आउटपुट. ठीक है बेटा, यहाँ है हमारा ओ एक्स एक्सिस पे आउटपुट, यहाँ हमने शो किया है रेवेन्यू को. AR और MR अबव द ओरिजिन स्टार्ट होंगे क्योंकि इनकी क्वांटिटी 10. सो यहाँ से मैंने यहाँ पे लिए 10, इट इज कॉन्स्टेंट एट ईच एंड एवरी आउटपुट. आप कहीं भी जाएंगे किसी भी आउटपुट पे, इट इज ऑलवेज सेम. ठीक है, और इसलिए ये हो जाएगा पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस एंड दैट इज इक्वल. क्लियर टू ऑल बेटा? तो यहाँ हमारा AR MR वाला केस भी कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट जो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फीचर्स का, वो क्या कहता है? दैट दिस एंटायर परफेक्ट कॉम्बिनेशन मार्केट इज अ इमेजिनरी कॉन्सेप्ट. दैट मीन्स हमने जितने भी फीचर्स अभी तक पढ़े हैं बेटा, वो सारे अपने आप एक तरह से इमेजिनरी हैं. आई नो वेरी वेल कि जितने भी पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं, मे बी आपको कहीं ना कहीं जरूर लगा होगा कि नहीं सर ऐसा नहीं होता है, सरप्राइज में डिस्क्रिमिनेशन तो हो जाता है. आप जो डेयरी मिल्क का एग्जाम्पल दे रहे हैं बार बार, हमने तो एक बार परचेज की थी, उसमें बॉक्स में हमें कुछ फ्री भी मिला था, या ज़्यादा क्वान्टिटी परचेज करने पर हमें उसके प्राइस में रिडक्शन भी मिला था. एब्सोल्युटली मिला होगा बेटा. लेकिन माइक्रो लेवल पर जब हम पूरी इकोनॉमी का सर्वे करते हैं, तो वहाँ पर हमें एक फिक्टिशियस, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट मिलता है जिसको हम कहते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट. सो दिस इज ऑल अबाउट परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट. होप्स एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल.